मिशन नाजुक एप्लीकेशन की उच्च उपलब्धता अते भरोसे योग्यता की वधदी लोड़ नूं पूरा करन लई पंजाब दा सब तो वड्डा डाटा सेंटर राजपुरा विच श्री रमेश पाल अते श्री संजीव कुमार द्वारा शासा मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड दे केनिज स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ब्रांड दे संस्थापकां द्वारा स्थापित किया गया। इस डेटा सेंटर नूं कोसर डिजिटल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड दे संस्थापक अते सीईओ श्री अनिल कुमार द्वारा डिजाइन अते बनाया गया। इस डेटा सेंटर दे उद्घाटन मौके मुख मेहमान डॉक्टर जीडी सन जो कि एशियन अफ्रीकन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दे संस्थापक अते चेयरमैन ने, श्री एमजे पुरी जो कि एएससीसीआई दे डायरेक्टर ने, मिस्टर रहमान जो बांग्लादेश दे विच एक्सपो प्रो दे संस्थापक ने, डॉक्टर विशाल कालड़ा जो डिजाइनिस्टिक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड दे संस्थापक अते सीईओ ने, अते विश्व शांति कूटनीति संगठन दे युवा शांति राजदूत अते महामहिम राजदूत मनुखी चार्जर डॉक्टर सर विश्वास जुगला ने। इस मौके मुख मेहमान एशियन अफ्रीकन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दे चेयरमैन डॉक्टर जीडी सिंह ने वधाई दिंदे हुए भरोसा दिवाया कि ओ इस डाटा सेंटर दे बुनियादी ढांचे दे विच राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय सौदे स्थापित करन दे विच मदद करनगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट दे शुरू होने दे नाल हजारां लोकां नूं रोजगार भी मिलेगा। इस तो इलावा मुख मेहमान महामहिम राजदूत ह्यूमन चार्जर डॉक्टर सर विश्वास चुकला ने भी डाटा सेंटर प्रोजेक्ट की शलाघा की है ते कहा कि यह डिजिटल वर्ल्ड के लिए पंजाब के गेटवे वजो काम करेगा जो डिजिटल तब्दीली दियां लोड़ां दे पूरे स्पेक्ट्रम नूं पूरा करेगा। डॉक्टर जीडी सिंह चेयरमैन एशियन अफ्रीकन चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, आज हम लोग बैठे हैं और वी हैव गॉट टू नो दैट Kenny Star India Private Limited and Shasha Meritech Private Limited के द्वारा जो डाटा सेंटर का उद्घाटन आज होने वाला है उसके लिए हम यहाँ आए हैं एंड मुझे बहुत ही खुशी है दैट रमेश जी और संजीव जी ने जो काम किया है और जैसा अभी हमारे मित्र ने बताया कि काफ़ी कम समय में ये डाटा सेंटर को बनाया गया। So that is a remarkable work which has been done by the team because I think that 2.5 to 3 months के समय के अंदर इस तरीके का high-tech data center को बनाना I think अपने आप में एक credible move है और मुझे ये जान के भी बहुत खुशी हुई that we are targeting to give more number of jobs in India and I think ये ना सिर्फ students के लिए ना सिर्फ बच्चों के लिए या आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो आई थिंक कि ये पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा मूव है जहां मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जो इनका प्लान है अगर इसी तरीके से ये डाटा सेंटर्स अलग अलग शहरों में लेकर के आएंगे तो आई एम क्वाइट श्योर दैट इंडिया विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल एंड सेकेंडली आज आईटी के वजह से ही सब चीज़ें आगे निकलती हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि किसी भी कंपनी का बैकबोन अगर आप देखें तो दैट इज आईटी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डाटा सेंटर ये दोनों ही इतने आपस में जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं कि इसको हम कभी भी अपने लाइफ से निकाल नहीं सकते। आज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे सारी दुनिया काम कर रही है और उसके अलावा आज की डेट में ईमेल के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये जो मूव है ये बहुत ही बढ़िया मूव है और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा और मुझे जानकर के बहुत खुश हुई कि हम इस मंच पे आके आप लोगों का उत्साह बढ़ा सके। सो थैंक यू वंस अगेन टू कॉल अस स्पेशली फॉर दिस डाटा सेंटर लॉन्च एंड इन फैक्ट मी एंड माय एंटायर टीम इज वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड एंड इन टाइम्स टू कम आप लोगों को जो भी एशिया और अफ्रीका में सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आपको लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत है या आपको लगे कि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बाहर से लेके आ पाए जो हमारे लिए लाभदायक हो सकती है या हम कोई टेक्नोलॉजी वापस रिवर्स ट्रांसफ़र भी कर पाए तो आई थिंक ये दोनों ही चीज़ों के अंदर वी विल बी हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंटल। Today, whatever we see around is all based on data balancing, correct? We have around, say, 1,000 numbers in our cell phone. When we did not have cell phones, we used to remember all the numbers.
Today I tell you, except your family and members, you do not remember anybody's numbers. Any company, the big giants globally, which are competing India, are also looking forward only and only on data. Look at top giants, Facebook, WhatsApp, Amazon. What are these guys doing? Why are these companies being bought and sold? Facilities? No, it's about the data. Right? India has always been pioneer in IT. Everybody knows globally that if US claims to be good IT, because the backbone is Indians. Yes. Unfortunate system of ours is our most talented guys will move across because they do not find legitimate employment opportunities here in India. I am actually feeling very proud that Canista has taken up this opportunity, a challenge. Being a part of ACCI, I encrossed in a complete broader support on what even my chairman has stated, a very strong one level plus. We would love to take this ahead in India. If it is India, made in India, we are Indians. Let's make India proud. So I am very happy when I got to know that in Chandigarh, Sharsha Medical India Limited and Canista India Limited are starting a data center, because I have lived my life through data centers across the world. Because Tata, what I was managing was automotive and aerospace. So all Boeing, Airbus, Jaguar, Land Rover, they were my customers. Yes, yes. So, जैसे हमने टाटा में किया था, मैं वही चीज देख रहा था काफी समय पहले, जब TCS ने डेटा सेंटर शुरू किया, फिर इंफोसिस ने शुरू किया, जब मेरी कंपनी हमने एक सुपर कंप्यूटर लगाया फॉर कंप्यूटिंग थिंग्स फास्ट, जब भी हम कुछ करते हैं तो सिमुलेशन करते हैं आजकल. ऐसा नहीं होता है कि जब भी मान लीजिए गाड़ी अप्रूव करा रहे हैं तो वो चेक होती है, पहले उसमें नहीं करेंगे, ड्राइवर को बिठा के बोलेंगे 200 किलोमीटर पे चढ़ा और देख क्या होता है. तो वो सब डिजिटली होता है. तो उसमें जहाँ पे डेटा सेंटर का एक आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, स्पेशली नॉर्दर्न इंडस्ट्री में, बिकॉज नॉर्दर्न इंडस्ट्री में कोई ऐसा डेटा सेंटर नहीं है, क्योंकि डेटा सेंटर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी सिमुलेशन के लिए. तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो टी एन सप्लायर है नॉर्थ में, JBM हो गया जो सारे आउट पार्ट्स बनाते हैं गाड़ियों के, ठीक है, फिर आपके मिंदा हो गया जो आपके स्पीडोमीटर सारे इलेक्ट्रिकल वायर हार्नेस सिस्टम, फिर होंडा कार्स हो गया आपका, हीरो हो गया, फिर होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर हो गया. तो बहुत सारे OEMs इसी से रिलेटेड हैं, प्लस उनके बहुत बड़े बड़े टीयर वन सप्लायर्स हैं इस एरिया में, जैसे आपका इंटरनेशनल फैक्टर सोनालिका पंजाब, तो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है बिकॉज उनके पास जो भी कैपेसिटी है आज में, तो वो अगर आपको इसी चीज को सिमुलेट करते हैं 4 दिन में, तो आप उसको 4 घंटे में दे सकते हो. तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए है. तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं खुद भी पंजाबी हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसी चीज यहाँ आई है हमारे पंजाब में. तो कोई भी मैं किसी भी तरह के लिए मदद कर सकता हूँ, तो मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझूंगा. न्यूज़ 89 पंजाब दे लई राजपुरा तो पत्रकार मोहित कुमार की खास रिपोर्ट.